वॉलीबॉल एसोसिएशन ऑफ जैन के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है क्योंकि हमारे सकलेन तारिक जो इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर है और 2014 से वो इंडिया के लिए खेल रहे हैं, आज वो चाइनीज टाइपी में सीनियर जो एबीसी कप हो रहा है उसके लिए गए हैं एज अ सेटर। और हमारे दो लड़के जो हमारे ही साथ खेल रहे हैं माहिर वानी और शदाब, तो वो भी अंडर 16 और अंडर 19 इंडिया कैंप में है। तो इतनी रिमोट एरिया से निकलना, इतने पिछड़े हुए एरिया से निकलना जहाँ पे ग्राउंड फैसिलिटीज़ नहीं है, जहाँ पे इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता, तो यहाँ से वो हिंदुस्तान के कैंप में जा रहे हैं और हमें पूरा यकीन है कि वो हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तो बहुत फ़ख्र की बात होती है, बहुत अच्छी बात है और बहुत इंस्पिरेशनल बात है कि इतने दूर दराज एरिया से लड़के निकल के हिंदुस्तान की नुमाइंदगी में जा रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि बाकी बच्चों को भी इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और इन्हीं को अपना रोल मॉडल लेके आगे निकलना चाहिए। थैंक यू। जे एंड के वॉलीबॉल एसोसिएशन के लिए एक बहुत खुशी का दिन है जिसमें ऐसा हुआ कि आज हमारे तीन बच्चे जो हैं इंडिया कैंप के लिए गए हैं, जिसमें से दो, एक जो अंडर 16 और एक अंडर 19, शादु शमीम और माहिर वानी, जो ये दो हैं जो एक अंडर 16 और अंडर 19 के लिए हुआ। और उसके बाद सकलेन तारिक जो कि हमारा मतलब अपने हमारे क्लब का भी एक प्लेयर है, वो तो वो सीनियर इंडिया एवीसी कप के लिए एज ए सेटर प्लेयर टीम की नुमाइंदगी कर रहा है। तो हम सब के लिए खुशी का दिन है ये कि आज हमारे जे एंड के तीन बच्चे जो हैं इस लेवल पर गए हैं। तो हम अब शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब की तरफ से इन तीनों को शुभकामनाएं देते हैं, तो वो आगे भी इसी तरह से तरक्की करें और जे एंड के का नाम रोशन करें। मैं आप तमाम लोगों को दिल की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब के सकलेन तारिक जो हैं वो इंडियन वॉलीबॉल जो सीनियर टीम जो कि एशियन चैलेंजर्स कप खेलने के लिए चाइनीज ताइपाई गई है उसके लिए सिलेक्ट हुए हैं। तो ये हमारे पूरे पीर पंचाल बिलखसूस जम्मू कश्मीर के लिए मैं समझता हूँ कि बड़ी मुबारक की बात है। और वॉलीबॉल एसोसिएशन जिसकी के हमेशा एक कोशिश रहती है कि रिमोट एरिया से जितने भी हमारी वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं उनको जो है वो इनकर्ज करती है, बिलखसूस हमारी जम्मू कश्मीर वॉलीबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सिद्धार्थ रूजा साहब और उनकी पूरी टीम जो है वो इस एफर्ट्स में लगी रहती है। तो उसका नतीजा ये है कि आप देखते हैं कि सकलाइन को इंस्पायरेशन बना के हमारे जम्मू कश्मीर के जो वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं उन्होंने एक मुकाम हासिल किया है, जैसे कि अब मन्नत चौधरी है, अब जो पहले इससे पहले इंडिया का टूर कर चुका है, अभी जो अंडर 21 जो वर्ल्ड चैंपियनशिप टीम खेलने गई है उसके कोचिंग कैंप में वो भी शामिल थे। उसके बाद अभी जो दो कैंप लगे हुए हैं जैसे अंडर 16 जो पहली मर्तबा एशियन चैंपियनशिप हो रही है उसमें माहिर वानी जो है जो श्रीनगर से जिनका तल्लक है वो उस कोचिंग कैंप में है, और उसके बाद शादाब शमीम जो कि जिनका तल्लक जो है अनंतनाग से है वो अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने के लिए जो हिंदुस्तान की टीम जा रही है उसके कोचिंग कैंप में है। और बड़ी खुशी की बात यह है कि 40 प्लस बच्चों में से अब 20 बच्चों का जो चयन हुआ, जो शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, तो शादाब शमीम जो है उन 20 बच्चों में आया है। तो हम अल्लाह ताला से भी दुआ करते हैं, हमें उम्मीद भी है कि जिस तरह से वो बच्चा परफॉर्म करता है कि वो कोशिश उसकी भी जारी रहेगी, और ऊपर वाले का अगर साथ रहा तो वो श्योरली जो अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियनशिप टीम खेलने अर्जेंटीना जाएगी उसका एक हिस्सा बनेगा। तो मैं इसके तमाम मुबारकबाद जो है वो वॉलीबॉल एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर को देता हूँ, और बिलखसूस जो स्पोर्ट्स काउंसिल जम्मू एंड कश्मीर की जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल है नुसरत गुल साहिबा, उनकी एफर्ट जो वॉलीबॉल की तय है मैं समझता हूँ ये उसी का नतीजा है कि जिस तरह से वो वॉलीबॉल एसोसिएशन को इनकर्ज करती हैं। तो मैं समझता हूँ इसकी मुबारकबाद जो है वो जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल को भी जाती है। वो एक मरतबा फिर दिल की गहराइयों से तमाम लोगों को जो है मुबारकबाद देता हूँ, और वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया उसका हम मशकूर हैं कि हम समझते हैं कि जिस किस्म की जो सिलेक्शन होती है अगर इस दूर दराज इलाके के बच्चे जो हैं हिंदुस्तान की टीम का हिस्सा बन सकते हैं तो मैं समझता हूं कि ये सिलेक्शन का ही नतीजा है कि फिर सिलेक्शन होती है जिसकी वजह से हमारे इस बॉर्डर जैसे इलाके के बच्चे जो हैं वो हिंदुस्तान की टीम की नुमाइंदगी करते हैं।